तो हेलो हाय राम राम नमस्ते, क्या हाल है भाई? सारा क्या, आई होप सो सारे आप ठीक होगे। तो आज आपने जिस वीडियो पर क्लिक कराया है उसका मेन बनाने का मोटिव ये है कि मेरे बहुत से भाइयों ने नहीं पता होता कि भाई विदेश कैसे जाएं। जिनने पता तो है कि भाई वहाँ पे पढ़ने जाएं, पर ये नहीं पता होता उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वहाँ पे जाए कैसी लाइफ होती है, अगर आपका कोई है तो कैसी लाइफ है, क्या क्या हमको उनकी हेल्प मिल सकती है या फिर क्या क्या वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सारी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं ट्राई करूँगा देने की। तो आपने अगर यह वीडियो अच्छी लग गए बाद में सब्सक्राइब कर सको आप चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है कि ये वीजा होता क्या है, कैसे कैसे वीजा होते हैं और कैसे कैसे हम विदेश में जा सकते हैं। तो मोस्टली जो वीजा लगता है या जो भी मतलब अपने भाई बहन जो इंडिया से आते हैं वो आते हैं स्टूडेंट वीजा पे। तो स्टूडेंट वीजा कैसे लगता है कि जैसे आप ट्वेल्थ कर रहे हो, आपके ट्वेल्थ में अच्छे 60-70% नंबर होने चाहिए और आपका नाम हर जगह, ये जो मेन मिस्टेक है ये होती है कि कहीं पे नाम कुमार, कहीं पे अपना सरनेम, कहीं पे खाली नाम, ये ना करवाएं। अगर है तो सबका अपना ठीक करवा लें। और दूसरी चीज जो अच्छे मतलब कह सकते हैं हम कंट्री जो जिनके थोड़े रूल स्ट्रिक्ट हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो कभी गैप नहीं मानती। गैप जैसे ट्वेल्थ के बाद एक दो साल अगर हम कुछ नहीं किया, नहीं पढ़े कहीं पे, ना कुछ जॉब का हमारे पे है लिखा जोखा कि भाई हमने कहीं पे जॉब की थी, तो ये तो ट्राई करो कि ट्वेल्थ के बाद होते ही आप आइल्स या पीटी करो। ट्वेल्थ खत्म होते ही पीटी या आइल्स। तो आइल्स क्या होता है? आइल्स होता है इंग्लिश का टेस्ट और पीटी भी सेम, पर पीटी में क्या फर्क है कि वो होती है कंप्यूटर पे जो कि आइल्स से इजी होती है। तो अगर आपको इन पे भी डिटेल वीडियो चाहिए है तो वो भी मैं बना दूंगा। इन दोनों में चार चार चीजें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो अगर आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन जैसे देशों में तो आप करोगे पीटी, क्योंकि पीटी है इजी और ये ऑस्ट्रेलिया का खुद का टेस्ट है। और अगर जाना है आपको वर्ल्ड वाइड तो आइल्स। अभी पीटी भी हो रही है वर्ल्ड वाइड, पर है कुछ कंट्रीज जो मतलब नहीं अभी इतना कुछ प्रोवाइड करी पीटी के थ्रू। तो जो मोस्टली मेरे भाई वो जाते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, मोस्टली इन देशों में। तो भी इन देशों में अगर आपको वीजा लगवाना स्टडी वो कैसे लगेगा? तो पहले आप ट्वेल्थ के बेस पे जाओगे, आपको ढूंढना पड़ेगा सेंटर जो कि हर शहर में होते, लाइक हमारे यहाँ पे सोनीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, हर जगह पे, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो आप वहाँ पे जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ मैं ट्वेल्थ में इतने इतने मेरे नंबर हैं, मेरा कोई गैप नहीं है। अगर गैप है तो ट्राई करो आप कोई दूसरा कोर्स करो उसमें, लाइक बीए कर लो, बीए के बाद भी आप आ सकते हो, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आपका गैप नहीं होना चाहिए, मेन जो बात है वो। भाई अभी बात आती है जिन भाइयों का गैप है, जैसे कि एक दो साल का, तीन साल का। देखो मैं ये नहीं कहता कि सभी के नहीं लगते, पर हाँ मोस्टली गैप वालों के नहीं लगते। अगर आप लकी हो थोड़े तो मान लो 10-15% वालों के लग जाते हैं, वो इनके ऊपर होता है, लगाने को किसी का भी ना लगाए चाहे नो बैंड आते हैं। हाँ मोस्टली एक डेढ़ महीने में आपकी आइल्स या पीटी हो जाएगी, पीटी थोड़ी ईजी पड़ती है। तो पीटी करने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि भाई आपको एजेंट्स होते हैं। अब बोलोगे एजेंट्स कौन? आप या तो सेंटर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उनसे बात करो कि मेरे इतने बैंड आए हैं। बैंड होते हैं जैसे कि नंबर, मान लो आप 90 में से आपके आगे 54, 53, तो ऐसे 6 बैंड हो जाएंगे, 9 में से ही बैंड आते हैं आइल्स में भी और पीटी में भी। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद आपको लेने हैं बैंड पीटी या आइल्स में। उसके बाद आपको देखना अपना कि आप फीस भर पाओगे या नहीं, तो मतलब कि मनी चाहिए मेन जो चीज़ है। तो वो कितना लगती है कि स्टार्टिंग में आप ये बोल लो कि आपका 12-13 लाख का खर्चा आ जाएगा, उसमें आपकी 6 महीने की फीस और आपका मेडिकल वगैरह और जो भी अपना एम्बेसी लेती है ये सारा खर्चा। तो उसके बाद आपको लगभग 15-20 लाख रुपये खाते में जरूर रखें, 10-20 चल जाते हैं, पर वही है कि जितने ज़्यादा हो वो पैसे आपके लगेंगे नहीं, पर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ये देखती हैं कि हाँ भाई इसके पास इतना इनफ पैसा है कि ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर ट्वेल्थ के बाद आप अपने बैंक में नहीं रख सकते उनको, अपने पापा या मम्मी के बैंक में जो भी जॉब करता है, क्योंकि आपने जॉब नहीं की है, आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट आए हो, तो इसलिए। तो भी अभी बात आती है कि बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि भाई वहाँ पे आने के बाद क्या करें हम, यहाँ पे आने के बाद आप 2-3 दिन तो मोस्टली कॉलेज होगा सबका,
तो उसके बाद आपको ढूंढनी है जॉब। तो जॉब यहाँ पे किस टाइप की मिलती है, अभी देखो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को नॉर्मली मिलेगी या तो रेस्टोरेंट्स में, या फिर कई भाई क्लीनिंग भी करते हैं, और जिसको अपना कार को रखती है वो सुबह वैन से जाके डिलीवरियां भी कर सकता है जो कंपनीज के थ्रू, जैसे अमेजन फ्लैक्स होगी, कुरियर की होगी बहुत सारी कंपनियां, या किसी फूड जैसे वूलवर्थ वालों में। अगर आपके पास इंडिया में ट्रक का लाइसेंस है तो आप यहाँ पे बनवाओ ट्रक का लाइसेंस, तो जो भी जॉब है। और अगर आपके पास इंडिया में कार का है, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई यहाँ का कार का लाइसेंस क्या वहाँ पे चलेगा, तो हाँ भाई यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ही चलती हैं कारें और आपका इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे चलेगा, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आओ और अपना लाइसेंस यहाँ का बनवाओ WA का, मतलब जहाँ पे भी आप जिस भी सिटी में जाओ। कनाडा कैसा है, कनाडा में राइट साइड में चलती है, कनाडा USA वहाँ पे राइट वाला सीन है। तो भाई अभी जो बहुत सारे भाइयों के दिमाग में आता है कि भाई हम क्या चूज करें, कौन सी कंट्री चूज करें, भाई आप अपना इंटरेस्ट भी देख सकते हो जैसे यूट्यूब पे सर्च करके कि भाई इस कंट्री में क्या है, इसमें क्या है। पर जो मोस्टली भाई जाते हैं वो जाते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो कनाडा में क्या है, कनाडा देखो भाई जो बात सच है वो सच है, कनाडा में है दिक्कत थोड़ी पे रेट की। वहाँ पे रेट होता है जैसे $13-15, अगर थोड़ा हाँ जैसे ट्रक वालों का या थोड़ी और अच्छी जॉब होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25-30। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, मैं खुद रह रहा हूँ 3 साल से, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है कि भाई आपका मिनिमम रेट 19 है। अब तो अपने इंडियन के पास करोगे तो शायद आपको कम दें आपका देख के सीन की हाँ भाई आपको जॉब चाहिए है, पर जो लीगली है वो है 19 टैक्स। पर मोस्टली यहाँ पे जॉब हो जाती है कि 24-25 की, $30 की भी इजिली मिल सकती है जॉब, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप बोलोगे कि भाई फिर वहाँ पे रहने से नहीं क्या दिक्कत, अगर किसी का कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं हो, तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर एक कैंपस बना देती हैं, तो वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स रहते हैं, पर वो थोड़े महंगे होते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो स्टार्टिंग में कुछ महीने, और उसके बाद अपना जॉब करके कहीं पे फिर आप अपना खुद का घर या फ्लैट या अपार्टमेंट कुछ भी ले सकते हो, मतलब जैसे रेंट पे ही होता है स्टार्टिंग में। तो मोस्टली अभी बोलते हैं कि भाई फिर मोस्टली बात आती है कि जैसे बंदे पूछते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया कनाडा में बंद हमारे पैसे तो पूरे हो जाएंगे, या मतलब कमाई है या नहीं, तो भाई कमाई है, बिना कमाई के लिए कोई नहीं आता। और कई सारे भाई की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, वो बिल्कुल हाई वाइट कॉलर के जॉब्स बताते हैं, तो भाई यहाँ पे वाइट कॉलर के जॉब्स मोस्टली उसी बंदे को मिलेंगे जो या तो एक्सपीरियंस होगा या उस चीज़ का उसने कोर्स किया होगा। बिना जैसे हम हैं, हमें हर तरीके की जॉब नहीं मिल सकती, उस चीज़ का हमको कोर्स करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो अभी बात आती है कि भाई तो किस तरीके की फिर भी जॉब, जैसे एक तो सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत सारे अपने इंडियन भाई करते हैं, और भाई रेस्टोरेंट वाली तो मैंने बताई थी, ट्रक ड्राइविंग वाली, मतलब मोस्टली यही जॉब्स हैं। तो आप अच्छा खासा कमा लोगे यहाँ पे अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे। तो अभी बात आती है कि भाई हमारी PR का क्या सीन है। तो भाई PR कोर्स पे डिपेंड होती है, जो आप कोर्स लेके आओगे, मोस्टली क्या करते हैं एजेंट्स की भाई थोड़ा बड़ा कोर्स दिलवा देते हैं वहाँ से, ताकि वीज़ा लग जाए या आने के बाद चेंज हो जाए। तो अभी कई बंदे बोल भी रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, पर मोस्टली यही बात है कि 6 महीने के बाद आप करा सकते हो चेंज, जिसमें आपका PR का भी कोर्स हो, आपको 2-3 दिन ही जाना पड़े और बाकी दिन आप जॉब कर सको, इतना टफ भी ना हो। तो मोस्टली तो वही करते हैं। PR का सीन कैसे होता है कि स्टडी के बाद आप जो अपना PR रिक्वायरमेंट्स है कॉलेज के थ्रू, रिप्लेसमेंट वगैरह होगी, फिर जॉब ढूंढना, ये आप कर सकते हो। तो PR का इतना कुछ गलत सीन नहीं है अगर आप कोर्स अच्छे से करोगे और आपकी अगर इंग्लिश सही है। तो भाई आगे बात आती है कि वहाँ पे रहना सहना कैसा है, कितना कुछ रेंट है, क्या कुछ मतलब ग्रोसरी प्राइस है। तो भाई देखो ये है कि ज़्यादा नहीं है, अगर आप अच्छा कमा रहे हो जॉब कर रहे हो तो आप मिनिमम ये मान लो डेली के भी अगर आप $200 भी कमाओगे, वैसे 230 मान लो एवरेज, तो आपके लगभग 1500 के अराउंड पड़ जाएंगे, 1500 यानी अब बोल सकते हो कि 75,000 कुछ, उससे ऊपर ही हो गया। तो इनकम अच्छी है, अगर आप काम करोगे तो आप हर चीज़ ले सकते हो, कार होई, फोन्स होए, लैपटॉप्स हो, कुछ भी होए। यहाँ पे जो मेन चीज़ जॉब्स के लिए दिक्कत होती है वो होती है जिनको कार नहीं आती। तो ट्राई करो आप इंडिया में ही कार सीखो, अगर आपको कार मिल गई, कार चलानी आ गई, यहाँ पे आपके लिए जॉब्स ही जॉब है। अभी ऑस्ट्रेलिया में इतनी जॉब्स निकली हुई हैं,
बहुत सारी, जो जैसे ड्राइविंग की हो गई, डिलीवरी ड्राइवर हो गए बड़े वाले, शॉपिंग सेंटर की डिलीवरी वाले हो गए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया आओ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कनाडा में कैसा है कि बर्फ भी है इतनी ज़्यादा, पे रेट भी नहीं है कुछ खास, अब पे बात यहाँ आने के बाद समझ में आएगी। तो भाई अगली बात है कि कई भाई बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई हमें बुला ले, मतलब कि हमारे लिए कोई जॉब हो। भाई देखो ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो मैं अपने पूरे गांव को बुला लेता, हम कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक तरीका होता है कि बंदे को कोई स्पॉन्सर करे, जैसे कोई ब्लड रिलेशन में हो, जैसे मम्मी पापा बाहर आए, भाई हो, अच्छा बुआ हो, कुछ भी हो, तो वो थोड़ा अगर उनकी अच्छी यहाँ पे कंपनी वगैरह है तो वो स्पॉन्सर करके तुम्हें बुला सकते हैं, ऐसा चीज़ है। अभी तो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे मेरे भाई कि अगर मान लो वीज़ा लग जाए तो वहाँ पे हम क्या क्या लेके आए। देखो मोस्टली आपको क्या होगा, कहीं पे भी जाओगे जॉब पे आपको पहनने पड़ेंगे ब्लैक कपड़े, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़, तो ज़रूरी है कि आप वो भी लेके आओ, और आप कॉलेज के लिए अपना दो तीन जोड़ी कपड़े लेके आ सकते हो अच्छे। बाकी तो आपको यहाँ पे तो यही है कि अपनी लवर टी शर्ट से चलेंगे घर पे भी और जॉब पे भी, पैंट वगैरह नॉर्मली। तो यही चीज़ आप ट्राई करो, ज़्यादा लेके आओ, कुछ अपने शूज़ ले आओ जो आप कॉलेज में पहन के जा सको। तो भाई अगर आपको चूज़ करना हो कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो मैं बोलूँगा अगर जिसका इंटरेस्ट हो या जिसके रिलेशन में कोई हो कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में, तो पहली प्रेफरेंस उसको दो, अगर आपको पता हो कि बंदा कैसा है, ठीक है। अगर आपको कि कोई नहीं है बट मेरे को जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे वेदर अच्छा है वर्किंग का, वहाँ पे आप सारा दिन बर्फ वाला सीन है, और मतलब थोड़ा पे रेट भी अच्छा है, ज़्यादा पैसे हैं जो मेन चीज़ होती है। तो भाई यही थे वो सारे क्वेश्चन थे। और अगर जैसे आपको पूछना हो कि पीटी में कैसे क्या होता है या फिर आइल्स में कैसे क्या होता है, तो मैं उस पर भी एक अलग से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ये थी अभी के लिए सारी बातें जो भी मैं, मतलब मेरे भाई बहुत सारे इंस्टा पे जो पूछते थे कि भाई कैसे क्या आए, कैसी वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, तू क्या करता है। तो भाई अगर आपका भी कोई सवाल हो, आप भी कुछ पूछना चाहते हो, अभी भी कुछ अगर वीडियो में बच गया जो मेरे को दिमाग में नहीं आया आपको पूछना हो, आप या तो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि अभी यहाँ पे साइड में आ रहा होगा, आप जाओ इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे पूछो जो भी आपका कुछ क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूँगा कि आपका आंसर दे पाऊँ। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया है, और अगर और भी कुछ जैसे क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। तो अभी के लिए हम चलते हैं, और भाई वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, थोड़ा स्टडी के लिए टाइम चाहिए था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो आपको आई थिंक ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा हाई लेवल वाली चीज़ें नहीं बता रहा, जो अपने भाइयों को चाहिए होती हैं, कि जो नॉर्मल होती हैं उनके लिए बताया कि मैंने बिल्कुल सरल वे में। तो भाई करो शेयर, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, जल्दी से 1K पहुँचाना है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।